हेलो दोस्तों, वेलकम टू आयजा क्रिएशन। और आज हम एक बॉक्स प्लेट बेबी फ्रॉक एंड अफगानी सलवार बनाने जा रहे हैं, जो छोटे बच्चों को बहुत ही सुंदर लगती है। तो यहाँ पर हम इसी शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर एक प्लेन फैब्रिक लिया है जो दो पार्ट में है, कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दो पार्ट में है। यहाँ पर हम एक से दो साल की बच्ची के लिए ये अफगानी सलवार बनाने जा रहे हैं। तो आप इसका मेजरमेंट देख लीजिए। यहाँ पे मैंने इसकी जो विड्थ ली है वो 33 इंच ली है और इसकी जो लेंथ है वो 13 इंच ली है। तो यहाँ पर आप आपके बेबी के साइज़ के अकॉर्डिंग लेंथ मेजर करें और उसके बाद मार्किंग करें। तो यहाँ पर हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस पर मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी जो विड्थ है वो 15 इंच लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें प्लेट डालनी है। तो हम 15 इंच पे मार्क करेंगे कुछ इस तरह से, और ये बाकी का पोर्शन हम क्रॉच के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, जो क्रॉच की टोटल लेंथ है वो हमें 8 इंच लेनी है, पर 2 इंच का हमारा ऊपर में बेल्ट आएगा, इसलिए हम यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमें 6 इंच पे मार्क करना है कुछ इस तरह से, और इसके बाद यहाँ पे हम 2 इंच का इस तरह से एक मार्क करेंगे और इसे थोड़ा राउंड शेप दे देंगे, जिस तरह से हम क्रॉच में देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे बॉटम के लिए मार्क करना है। तो यहाँ पे हम बॉटम की जो विड्थ लेंगे वो हम 13 इंच लेंगे, क्योंकि हमें बॉटम में भी प्लेट डालनी है। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इन दोनों पॉइंटों को जॉइंट कर लेंगे कुछ इस तरह से। अफगानी सलवार में हमें बॉटम ज़्यादा लेना होता है, क्योंकि हमें उसमें चुन्नट डालनी पड़ती है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे दो पीस बेल्ट के भी कट करके रखे हैं। यहाँ पे जो बेल्ट की लेंथ है वो हमने 16 इंच ली है, और इसकी जो विड्थ है वो हमने 4.5 इंच ली है। इसके बाद हम इस तरह से बेल्ट बनाएंगे, तो ये जो हमारी क्रॉच की लेंथ हो जाएंगी वो हमारी 8 इंच हो जाएंगी बेल्ट मिलाकर। और साथ ही साथ ये दो पीस फैब्रिक के हैं जो हम बॉटम की पोचा बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दो पीस है हमारे। इस पार्ट की जो विड्थ है वो हमने 5 इंच ली है, और इसकी जो लेंथ है वो हमने 10 इंच ली है। हमें इसे डबल में कुछ इस तरह से लगाना है, तो हमारी जो रेडी सलवार की लेंथ हो जाएंगी वो हमारी 18 इंच हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपने पूरा मेजर देख लिया है कि किस तरह से हमारा मेजरमेंट है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पर सेंटर में थोड़ा कट करें, और इसके सेंटर में भी इस तरह से कट लगा दें। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसे हमने कट कर लिया है, और ये ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर बेल्ट अटैच करना है। तो हम क्या करेंगे कि बेल्ट के सेंटर में भी एक मार्क लगाएंगे, एक निशान लगाएंगे कुछ इस तरह से, और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे सेंटर से सेंटर मिला रही हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है कि इस तरह से प्लेट्स लेनी है। जिस तरह से हम सलवार में प्लेट डालते हैं, सेम उसी तरह से हमें अफगानी सलवार में भी प्लेट्स लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने सेंटर से प्लेट लेना स्टार्ट किए हैं, और उसके बाद सेम हम अपोजिट साइड में इस तरह से, जिस तरह से हमने इधर लिए हैं उसके अपोजिट हम इस साइड में भी प्लेट डालेंगे। तो हमें एक सीधी प्लेट डालनी है और एक हमें उल्टी प्लेट डालनी है यहाँ पर सेंटर से। तो आप देख सकते हो कि हमने पूरी प्लेट डाल ली है। उसके बाद हम साथ ही साथ क्या करेंगे कि ये जो हमारे सलवार का पोचा है वहाँ पर भी हम इस तरह से ही प्लेट डालेंगे सेंटर से, एक सीधी और एक उल्टी। यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरह से हमने ऊपर की साइड में सीधी और उल्टी प्लेट डाली है, सेम हमें सलवार के बॉटम में भी इसी तरह की प्लेट डालनी है। तो ये मैं आपको सिलकर बताती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे प्लेट डाल ली है ऊपर में भी और नीचे में भी,
और दोनों पैर रेडी कर लिए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इस कपड़े को इस तरह से ऊपर रखते हुए यहाँ पर टॉप पर एक सिलाई लगा देनी है। इसके ऊपर हमें इस तरह से टॉप में एक सिलाई लगानी है। सेम हम इस साइड में भी करेंगे कि इसे थोड़ा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर में एक सिलाई लगा लेंगे। और साथ ही साथ हमें क्या करना है कि एक कपड़े को सीधा और एक कपड़े को उसके ऊपर उल्टा रखते हुए यहाँ पर हम इनके क्रॉच अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसके क्रॉच पर सिलाई लगानी है दोनों साइड में। और साथ ही साथ हमें क्या करना है, इलास्टिक डालने के लिए इस तरह से यहाँ पर फोल्ड करते हुए यहाँ पर पूरे में एक सिलाई लगानी है। तो मैं आपको रेडी करके बताती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे क्रॉच में भी सिलाई लगा ली है इस तरह से, और इसका बॉटम भी हमने जॉइंट कर लिया है। अब इसके बाद हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे। तो हमें क्या करना है कि फाइनल इस तरह से यहाँ पर इसे बराबर से पकड़ते हुए यहाँ पर पूरे में एक सिलाई लगानी है, और यहाँ पे हमने थोड़ा पोर्शन इलास्टिक के लिए रखा है ताकि अब हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी इलास्टिक की लेंथ है वो हमने 15 इंच ली है। यहाँ पे हमें इलास्टिक की लेंथ 14 ही चाहिए, मगर हम 1 इंच सिलाई के लिए रखते हुए यहाँ पर 15 इंच लेंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है कि ये सेफ्टी पिन की मदद से हमें इलास्टिक इस तरह से हमारे शलवार में इंसर्ट करना है। तो हमने यहाँ पे इलास्टिक इंसर्ट कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि फाइनल यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे, और हमने ये जो पोर्शन खुला रखा है यहाँ पर इसे भी सिल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी अफगानी शलवार बनके रेडी है। अगर आपको हमारा ये मेथड पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा फ्रॉक बनाना रेडी करेंगे। तो फ्रॉक बनाने के लिए हम सबसे पहले टॉप पार्ट लेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा टॉप पार्ट 2 पार्ट में है, फ्रंट और बैक का। इसका कुछ मेजरमेंट कुछ इस तरह से है कि इसकी जो विड्थ है वो हमने 14 इंच ली है, और इसकी जो लेंथ है वो हमने 8 इंच ली है। ये फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि 1 से 2 साल की बच्ची का मेजरमेंट है, और ये हमने इसमें डालने के लिए लाइनिंग ली है। तो हम इन सभी को साथ ही साथ कट करेंगे। तो सबसे पहले इसे बराबर से फोल्ड करते हुए अच्छे से बिछा देंगे ताकि इसमें कोई सिलवटे ना रहे। सबसे पहले आपको यही करना है कि इसमें कोई सिलवटे नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हम लाइनिंग और जो हमारा ऊपर का पार्ट है वो साथ में कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बराबर से सेट हो गया है। इसके बाद हम मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग करने के लिए हम सबसे पहले शोल्डर पे 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हम शोल्डर 4.5 इंच लेंगे, और साथ ही साथ हम आर्म होल भी यहाँ पे 4.5 इंच लेंगे। उसके बाद जो हमारी चेस्ट का साइज़ है वो हमने यहाँ पे 7 इंच लिया है, और जो हमारी वेस्ट लाइन हम यहाँ पे लेंगे वो हम 6.5 इंच लेंगे। तो हम 6.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे कुछ इस तरह से, और इन दोनों निशानों को हम ज्वाइन कर लेंगे, और आर्म होल को हम थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद हमें नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक की विड्थ हम यहाँ पे 1.75 इंच लेंगे, और नेक की जो डेप्थ है वो हम 2 इंच लेंगे। तो यहाँ पे हम 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। फ्रंट और बैक हम दोनों साथ में कट करेंगे, तो हम दोनों के लिए 2 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे कोई अलग से निशान नहीं लगाएंगे बैक के लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे कट कर लिया है, और ये हमारे फ्रंट और बैक के 2 पार्ट हमें मिल गए हैं। यहाँ पर इसकी शोल्डर भी जॉइंट है, तो हम शोल्डर को भी कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने साथों साथ लाइनिंग भी कट कर ली है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बैक साइड में हम 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये निशान हमें हुक के लिए लगाना है, और यहाँ पर एक कट लगा देंगे हम।
तो ये हमारे बैक का पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे सिलना स्टार्ट करेंगे। तो सिलने के लिए हम एक पार्ट को सीधा रखेंगे और इस लाइनिंग को उसके ऊपर इस तरह से उल्टा रखेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि हमने इसे सीधा रखा है और इस तरह से यहाँ पर इसे उल्टा रखा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि नेक पर एक सिलाई लगा लेंगे और आर्म होल पर एक सिलाई लगा लेंगे। सेम हम इसी तरह इस पार्ट में भी करेंगे। हमें इस तरह से पूरे में एक सिलाई लगाना है। यहाँ पर हम शोल्डर छोड़ देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर ये सिलाई लगा ली है पूरे में, हमने शोल्डर पे सिलाई नहीं लगाई है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि हम इसे जब अंदर की तरफ टर्न करें तो ये हमारा इजीली टर्न हो जाए। इसके लिए हम सभी पार्ट में यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। इस तरह के कट लगाने से ये इजीली पलट जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने पूरे में कट लगा लिए है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो आपको कुछ इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरह से लाइनिंग लगाने में हमारे कपड़े में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है। तो आप कोशिश करें कि आप भी इसी तरह से लाइनिंग लगाएं। अब ये बैक साइड का कपड़ा भी हम सेम इसी तरह से इसे पलट देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने ये दोनों पार्ट को पलट लिया है। अब इसके बाद हम ऊपर से टॉप स्टिच लगाएंगे यहाँ पर पूरे में एक। अब इसके बाद ये जो हमारा टॉप का ये हमारा बॉटम वाला कपड़ा है इसमें हम प्लेट डालेंगे। तो यहाँ पर हमने ये दो पार्ट लिए हैं। इसकी जो विड्थ है हमारी वो 6 इंच है और इसकी जो लेंथ है हमारी वो हमारी 40 इंच है। तो यहाँ पर हमने पूरी 1 मीटर की लेंथ ली है, आप देख सकते हो। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इस फैब्रिक में 3-3 इंच पर हमें मार्क करना है पूरे में, क्योंकि हमें बराबर से बाद में प्लेट डालनी है, इसलिए हमारी प्लेट ऊपर नीचे ना हो जाए। इसके लिए हम पूरे कपड़े में 3-3 इंच पे एक एक निशान डाल देंगे, कुछ इस तरह से। जिस तरह से मैं पूरे कपड़े में 3 इंच पे निशान डाल रही हूँ आपको भी सेम डालने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने ये पूरे निशान डाल लिए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि इस तरह से एक पार्ट को सीधा रखना है और दूसरे पार्ट को उसके ऊपर उल्टा रखना है। मैं फिर से बताती हूँ आपको, एक पार्ट को सीधा रखना है और एक पार्ट को उल्टा रखना है। इस तरह से हम पूरे इसमें करेंगे, एक पार्ट सीधा एक पार्ट उल्टा। तो यहाँ पर हमारे इजीली बॉक्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमें बैक साइड में भी सेम इसी तरह से करना है। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि इसमें भी हम लाइनिंग अटैच करेंगे। तो हमें लाइनिंग का फैब्रिक कुछ इस तरह से बारीक बारीक से चुन्नट लेनी है, जिस तरह से हम सलवार में चुन्नट डालते हैं। सेम इस फैब्रिक में भी हमें छोटी छोटी चुन्नट लेनी है पूरे में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से चुन्नट ले रही हूँ। आपको भी सिलाई करते समय इसी तरह की चुन्नट लेनी है। और ये हमारी चुन्नट बराबर से ये जो बॉक्स प्लेट वाला कपड़ा है इसके बराबरी में आ जानी चाहिए, यहाँ पर कुछ इस तरह से। और यहाँ पर ऊपर से हम एक सिलाई लगा देंगे तो ये हमारी बराबर बॉक्स प्लेट बन जाएंगी। और साथ ही साथ हमें नीचे से भी इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने ऊपर से भी एक सिलाई लगा ली है और यहाँ पर ये कितनी सुंदर बॉक्स प्लेट बनी है। और ये हमने लाइनिंग भी इसमें अटैच कर ली है, सेम मैंने आपको जिस तरह से बताया था प्लेट लेते हुए उसी तरह से। और ऊपर से भी सिलाई लगा ली है, सेम हमने नीचे भी सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो बैक और फ्रंट वाले पार्ट हमने रेडी किए हैं वो हम इस फ्रॉक के टॉप में अटैच करेंगे। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे इसके शोल्डर भी ज्वाइन कर लिए हैं। तो आप देख सकते हो कि ये हमारे इस तरह से पार्ट है। इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसे कुछ इस तरह से रखकर यहाँ पर एक सिलाई लगानी है। और सेम हमें इस साइड में भी करना है, यहाँ पर इस तरह से रखते हुए पूरे में सिलाई लगानी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये इस तरह के बन रेडी किए हैं।
ताकि हमारे बेबी को अगर फिटिंग ना आए तो हम एडजस्ट कर सकें। उसके बाद हम यहाँ पर एक फाइनल सिलाई लगाएंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर फैब्रिक को बराबर पकड़ते हुए यहाँ पे हमें एक सिलाई लगानी है और इस साइड में भी हमें एक सिलाई लगानी है। तो ये हमारा बॉक्स प्लेट बेबी फ्रॉक बनके तैयार है। अगर आपको हमारा ये मेथड पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम इसी तरह के वीडियोस हमारे इस चैनल पर डालते हैं जो आपको बेहद पसंद आएंगे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।